टिकटॉक हेल्प चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। दोस्तों आज हम एक और अनबॉक्सिंग लेके आए हैं रेडमी Y1 की। दोस्तों यह है 3 GB रैम और 32 GB फोन मेमोरी वाली वेरिएंट। दोस्तों ये फ़ोन मैं सिंपली आप लोगों को दिखाता हूँ कैसा है। देखिए यह Mi.com से मैंने ऑर्डर किया था, देख सकते हैं दोस्तों। यहाँ पर मुझे इसका प्राइस मिला है मुझे लगभग 8,999 रुपीज़। दोस्तों हम इसको काट देते हैं यहाँ पर और देखते हैं बॉक्स में क्या कुछ मिलता है। दोस्तों मैं सिंपली अभी ओपन करता हूँ, यह है बॉक्स और देखते हैं इसके अंदर क्या कुछ मिलता है। इसके कुछ भी नहीं है, इसको हम रखते हैं साइड में और बॉक्स को खोलते हैं। देखते हैं, खोलते ही आपको सामने यह मिल गया दोस्तों, MI का स्टिकर मिल गया जो आई लव MI लिखा हुआ है। मैं इसको साइड में रख दिया। देखिए यहाँ पर रेडमी Y1 का बॉक्स, बहुत ही मेड इन इंडिया लिखा है यहाँ पर। 3 GB रैम, 32 GB इंटरनल स्टोरेज। दोस्तों इसमें हम आपको इस फ़ोन की जो मेन हाइलाइटिंग फीचर है वो है इसका फ्रंट कैमरा। दोस्तों हम इस बॉक्स को ओपन करते हैं, इसमें कुछ प्लास्टिक से पूरी की पूरी कवर को बांधी हुई है। हम इसको काट देते हैं और इसको खोलते हैं। देखिए मैंने इसको खोल लिया है, अभी बॉक्स को खोलता हूँ। दोस्तों ये मिल गया रेडमी Y1 डिवाइस जो मैंने गोल्ड वेरिएंट की ऑर्डर किया था। दोस्तों मैं सिंपली इसको ओपन करता हूँ, देखिए यही है वो फ़ोन, काफ़ी अच्छा दिखने में। हम इसको बूट करके साइड में रखते हैं, ये बूट होने देते हैं और देखते हैं बॉक्स में और क्या कुछ मिल जाता है। दोस्तों हमें इसको मिलता है पहले यूज़र मैनुअल, देख सकते हैं ये यूज़र मैनुअल। इसको साइड में रखते हैं और देखते हैं बॉक्स में, यह है USB केबल। हम इसको भी साइड में रखते हैं और देखते हैं इसमें है चार्जर। हाँ इसमें चार्जर है दोस्तों। इस चार्जर की बात करें तो इसको इस चार्जर की जो 5 वोल्ट 2 एम्पेयर का है ये चार्जर। दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर, इसको हम साइड में रखते हैं और देखते हैं यहाँ पर सिम रिजेक्टेड टूल्स और बॉक्स में और कुछ भी नहीं मिलता। हम बॉक्स को भी साइड में रखते हैं और फ़ोन को सेटअप कर लेते हैं। दोस्तों यहाँ पर हम कर देते हैं यूनाइटेड किंगडम और नेक्स्ट करना है आपका रीजन सेलेक्ट करना है। यहाँ पर हम इंडिया सेलेक्ट कर देते हैं इंडिया और थोड़ी देर वेट कीजिए दोस्तों। दोस्तों अभी मैं सिंपली नेक्स्ट करता हूँ, स्किप करता हूँ। इस फ़ोन को हम सेटअप कर लेते हैं, बाद में आपसे मिलते हैं। मैं सारे चीज़ फिंगरप्रिंट सेंसर सब कुछ मैंने स्किप कर दिया दोस्तों। दोस्तों हम इसको लोडिंग होने देते हैं और हम इसकी इस मोबाइल की स्पेसिफिकेशन की बात कर लेते हैं। दोस्तों इसका जो मेन हाइलाइटिंग फीचर है वो है इसका फ्रंट कैमरा। इसका फ्रंट कैमरा जो है वो है 16 मेगापिक्सल और इसका जो रियल कैमरा है रियल उसका है 13 मेगापिक्सल। दोस्तों इसमें फ्रंट कैमरा में एक LED फ्लैश मिल जाता है आपको और इस फ़ोन में सारी तरह का सेंसर सपोर्टेड है दोस्तों। और हम इसकी प्रोसेसर की बात करें तो इसमें आपको मिलता है क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 435 ऑक्टाकोर प्रोसेसर, एड्रीनो 506 GPU और इसका जो डिस्प्ले है वो है 5.5 इंची 720p डिस्प्ले और इसमें आपको मिलता है 3080 mAh की बैटरी। और इसके जो इसमें और एक ख़ास बात है इस फ़ोन में, आप
दो सिम के साथ एक माइक्रो एसडी कार्ड भी इंस्टॉल कर सकते हैं। एक साथ में आप तीनों ही चीज़ यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों ये वीडियो आप शुरू से लास्ट तक देखिए, क्योंकि मैं इस फ़ोन की लेने हुई कुछ तस्वीरें आप लोगों को दिखाऊंगा वीडियो की एंड में। आप उस फोटोज़ को ज़रूर देखिए, इसका फ्रंट कैमरा की पता आपको लग जाएगी कितना अच्छा है। दोस्तों आप ज़रूर देखिए। दोस्तों ये फ़ोन लोडिंग हो चुका है लगभग। दोस्तों देख सकते हैं हम इस फ़ोन को देखते हैं, काफ़ी फास्ट है, चल रहा है। दोस्तों मैं सिंपली इस फ़ोन को सेटिंग्स में जाके दिखाता हूँ। यहाँ पर सेटिंग्स और अबाउट फ़ोन, यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, यह है रेडमी वाई वन एंड्रॉयड 7.1.2 मिलता है। और यहाँ पर देख सकते हैं MIUI 8 पर चलता है। और यहाँ पर देख सकते हैं 3 GB RAM और 32 GB इंटरनल स्टोरेज, और इसमें अवेलेबल आपको मिलता है 23 GB। दोस्तों हमारी ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आइए देखते हैं इस फ़ोन की लेने हुई कुछ तस्वीर। देखिए इसका फ्रंट कैमरा काफ़ी अच्छा है। और यहाँ पर देख सकते हैं यह रियल कैमरा से लिया गया है, काफ़ी अच्छा है, डिसेंट है, उतना अच्छा है रियल कैमरा नहीं है, डिसेंट है, लेकिन मुझे बेटर लगा है इसका फ्रंट कैमरा। दोस्तों मैं इस फ़ोन को कुछ दिन यूज़ करने वाला हूँ। यूज़ करने के बाद इस फ़ोन का फुल रिव्यू आपको दूंगा, यह फ़ोन कैसा रहा, कैसा चार्ज करने में कितना टाइम लेता है, सब कुछ आप लोगों को बता दूंगा उस रिव्यू में। और इसका गेमिंग रिव्यू करूँगा, हीटिंग टेस्ट करूँगा, और Redmi 4 जो है Snapdragon 435, यह Redmi Y1 सेम है Snapdragon 435, इन दोनों फ़ोन का कंपैरिजन करूंगा, स्पीड टेस्ट। दोस्तों देखता है कौन सा डिवाइस बेटर परफॉर्मेंस करता है। दोस्तों इसके लिए आपको मेरा चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, आने वाली नई वीडियो में आपको देखने को मिलेगा इन सारे कंपैरिजन वीडियो। दोस्तों हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों हमारे वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे वीडियोस पे लाइक्स एंड कमेंट कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।